कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी ताकतवर सिस्टम के जेरे असर बनने वाले तूफान असना के बायस आज हफ्ते को शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तेज हवाओं की वजह से शहर में कई दरख्त भी गिर चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज कैसर कामरान से। कैसर बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की और इंतजामिया अलर्ट है तमाम सूरत हाल को देखते हुए। जी बिल्कुल, कराची शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार तो हो गया है, लेकिन साथ ही बारिशों के दौरान जो है वो बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बड़े बड़े जो गड्ढे जो हैं वो पड़ गए हैं। इसके अलावा शहर भर में कुल तकरीबन 5 मकामात पर जो है वो दरख गिरने के वाकया जो हैं वो भी सामने आए हैं। गुलशन इकबाल में दरख गिरा है जिसकी वजह से खातून समेत एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। इसके अलावा डिफेंस में सिंध सेक्रेटेरिएट के इलाके में और दीगर मकामात पर दरख गिरने की बायस मुख्तलिफ गाड़ियों को मुतअद्दिद गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। इस वक्त भी कराची शहर में तेज़ हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान अशना जो है वो अब से 120 किलोमीटर जो है फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी किया है कि जूं जूं तूफान जो है कराची की साहली पट्टी के नज़दीक आता जाएगा, शहर में मज़ीद तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है और यह सिलसिला 31 अगस्त की रात तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर कामरान, तफसीलात से आपने रखा।